खबर लेने ब्रेटे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुरू की गई सी स्वच्छ भारत की मुहिम और उस मुहिम नू लगदा जाप रहा है ग्रह और केंद्र सरकार वालों स्वच्छ भारत के नाम से वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं। थां थां पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि सरकार वालों इस मुहिम नू सख्ती नाल लागू करने के हुक्म जारी किए ने। जेकर गल करिए स्थानीय शहर बरेटा की तो खाली थावां सड़कां गलियां च लग रहे ने कूड़े के ढेर और स्वच्छ भारत मुहिम का जनाजा कढ के रख्या होया है। मेन बाजार विच टुटे बाथरूम ने दुकानदार मजबूरी के कारण बाथरूम करन दा होर किथे करन। इसे तरह बरेटा के वार्ड नंबर 7 जो कि थां कूड़े के डंप लई वरती जाती है और उस विचों निकलण वाले गंदे धुएं कारण पिंड वासियां दे नाल लगदे सरकारी स्कूल दे बच्चे बहुत परेशान ने। जे गल करिए सीवरेज दी तां खराब मोटरां कारण पानी भी खड़ा है और जिस दे नाल बीमारियां भी फैल रहीयां ने। इस संबंध विच किस नाल की गलबात हुई है आओ सुनदे हां। सत श्री अकाल जी, मैं राम सिंह बरेटा वार्ड नंबर 7 तों। असीं प्रशासन नूं जो ये डंपिंग ग्राउंड इत्थे बनाया जी इहदे नाल एड्डा नुकसान हो रहा है। सामने कुछ कु दूरी तो इतने प्रायमरी स्कूल सरकारी प्रायमरी स्कूल है, हुण भी देख सकते हो धुएं के गुब्बारे सीधे स्कूल के बढ़ रहे, बच्चों सह लेना भी बहुत औखा हो रहा है जी। दूजा नंबर इन्नी मुश्क है, इन्नी बदबू मारती है। इतने आप देखे भी स्कूल के मूहे कितने ग्राउंड ज पार्क का देखे, पहली बार डंपिंग ग्राउंड देखे बिल्कुल आबादी के विचकार। यह नगर कौंसल बरेटा की नाकामी बुजदली बिल्कुल बेकर माड़ा करतूत वाला काम किया हुआ है जी। इन्हां कोल बहुत जगह पई है, बलाडा रोड पर भी 2 किले पे है जी। बागवाला टोभा बिल्कुल खाली पे बाजार च, उधर नहीं कोई जाता। ये ऐसी परिवारों की जो बस्ती है, इन्होंने यही सोच लिया भी इतने कड़ा कोई बोलना है, लिया के सारी मंडी का बहादुरपुर तो लैके सारी बरेटा मंडी का गंद इतने डंपिंग किया जाता है जी। साड़ी डीसी साहब मानसा उच्च अधिकारियों पंजाब सरकार को बेनती है कि इस गंद वाल जो साडे बच्चों उन्हां दा भविख उन्हां दा जो सेहत है उन्होंने खराब कर रहे हैं, ये वाल जल्दी तो जल्दी कोई कदम चुकया जाए। बहुत बहुत 18-20 साल तो जिहड़ा है नगर कौंसल सारे शहर का कूड़ा उत्थे सुट रही है। तो हुण कुछ कल दा कुत्तों लैके कुछ लोगों ने उत्थे विरोध करना शुरू किया। असी मैं उन्होंने लोगों नाल मीटिंग करूँगा तो मसले का हल करूँगा। बाकी जिहड़ा ये कूड़ा असी इहनू साड़ी जिहड़ा हैगा स्वच्छ भारत अधीन चल रहा है भी जिहड़ा कूड़े नूं अलग अलग करके गिला ते सुक्का कूड़ा अलग अलग लैके ते उहदे तों असीं अगे किले कूड़े तों खाद बनाउने आ ते सुक्के कूड़े नूं भी असीं उहनूं दुबारा यूज कर रहे हां। ते आउण वाले समें दे विच जिहड़ा हैगा ये डंप अपना वह खत्म हो जाणा अपने आप ही। आने वाले 2 महीनों के असी इस तरह प्रबंध कर देना है भी जोड़ा कूड़ा घर तो असी सैग्रीगेटेड कूड़ा लेना है गिला सुक्का अलग अलग तो उन्होंने लिया के असी साडा इतने MRF शैड बनाया वो असी गिले कूड़े तो खाद बना देनी है। तो जोड़ा सुक्का कूड़ा ठोस कूड़ा है जोड़ा जिद लिफाफे या होर बोतल वगैरह ज होर समान ऐसा है उन्होंने असी अलग अलग करके असी रीयूज करा। एक जी जिहड़ा बाजार दे विच इक बाथरूम है उहदा भी तुसीं कोई उपाय कर रहे हो? हाँ जी, वह बाथरूम उत्थे बड़ा पुराना बनिया होया पर उत्थे प्रोपर जगह ना होण कारण वह उदां ही चल रहा है। असी उहनूं उत्थे अपना नवीं जगह देख ली ते उहदा एस्टीमेट बना के एक वधिया बाथरूम उत्थे बना देना ते उहनूं उत्थों असी रिमूव करांगे। उही थां बनाओगे कि होर किते थां होर किते बनावांगे? उत्थों उहनूं रिमूव करांगे क्योंकि वह जगह जिहड़ी हैगी है वह प्रोपर बाथरूम लई जगह है नहीं। बरेटे तों जगदीश गोयल दी रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया से गोडियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके जी। तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियाँ तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कि असी अपने बालों करके शर्म फील